क्योंकि ये लड़ाई आपके लिए खतरनाक है। इसमें शक नहीं कि कोई जबरदस्त ताकत उसकी मददगार है जो इतनी मार खाकर भी मुकाबले पर आया है। इसलिए इसी में भलाई है कि आप सब देशों को भूलकर उसको अपना भाई समझकर गले से लगा लीजिए। बस बस, अधिक पद तक न लगा और मेरे आगे से हट जा। ना मैं उससे डरता हूँ ना उसके हिमायतियों से। तू मुझे कायर बनाना चाहती है और घर में छुपाना चाहती है। दारा, तुम मेरा दामन छोड़ दो और मुझे ज्यादा हैरान ना करो। स्वामी, परमेश्वर के वास्ते जिसको छोड़ दो और नाम मुझे विराम ना करो। यह समय न रड़ करने का है, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं जानती किस कारण जो मेरा दाया नेत्र भड़कता है। सिर में अंधेरा सा है, आंखों में छाया जाता है। मैं रोग कड़ी कलेजे को यह मुंह को आया जाता है। तारा, मैं तुम्हारे कहने से अपने आप को पत्ता नहीं लगा सकता। भाई साहब, सिर्फ भाग आइए और कल बेटे बाप सेना बनाइए। तारा, सुनती नहीं वो मुझे किस तरह ललकार रहा है। जाओ जाओ तुम महलों में और आराम करो। भाई साहब, चलो बाहर आइए। अरे बेशरम, उस वक्त भाग कर जान बचाई, अब तुम्हारा मुंह दिखाते हुए लाज न आई। मेरा हक मुझे दे, बात नहीं आई, ना कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई। सिवाय आवारा कर दी गए तेरा कोई हक नहीं, तेरी मौत में भी कोई हक नहीं। न जिंदा जाएगा आकर मेरी तलवार के नीचे। वो पुलिस चलता रहा है पुलिस की तार के नीचे। तू किस भरोसे पर मुझे नीचा दिखाने आया है? तेरा बाप का भी है तेरी अस्थि मिटाने को। समझ जा समझ जा, अब तेरे सर पर मेरी शमशीर उल्टी है। मेरी शमशीर उल्टी या तेरी शमशीर उल्टी है? भूत भूत लाभ पाके नहीं बातों से माना करते हैं, यार गंदे के नहीं पैर जाना करते हैं। ये दुनिया बेकानों को बनाती है अपना, जब मगर तूने तो अपने को ही बेकाना कर दिया। काल का है ग्रास पापी, नैन का ईंधन है तू, मौत का खाचा है पुत्र, तीर का भोजन है तू। अच्छा अच्छा, जरा सामने हो और सेकी ना जता, बताओ तुझे अभी वीरता का पता। Thank you.
रही है। क्षत्रिय का धनवा उठता है जिस सार काम के लिए नहीं, जब तक शत्रु का संहार न हो, विश्राम नाम के लिए नहीं। अरे क्या तुम ही हो राम, आम मैं भी सुनता रहा वर्षों से यह नाम। ओ फिर सुग्रीव ने संदर्श क्या तुम्ही ने उसे उबारा है, इस कारण पृथ्वी पर से वो नरपति पानी निभाया है। सचमुच मेरा भाग्य है फिर कैठे जगवंतन आए हैं, भाई के कारण मैंने भी सत्तरसी के दर्शन पाए हैं। भगवान देरी को संसे मत करना, ये सूर वीर का धर्म नहीं, तुम कर सो मेरा प्राण लिया, यह रघुवंशी का धर्म नहीं। वाले तुमने पर ही ऐसा पर कक्ष न मारा चलेगा, संभुत लड़ने वाले का बल तुझ में किस प्रकार जाएगा, फिर वह प्राण किसी का नष्ट करे, ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह प्राण आग से मारा है। काली भगवान सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों, संघर्षी की नजरों में तो ये है कि सब दोनों। भगवान सुग्रीव मित्र काली शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है, रघु कुल के नायक उत्तर से वध करने का क्या कारण है। काली कन्या भगनी सुख की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें दूर दृष्टि से देखता है वो है एक अत्याचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर रखा है, इस कारण हमने बार बार तुझको समाप्त कर डाला है। पावन को साक्षी देकर हम कर चुके मित्रता, अब हम दुख मित्र मित्र का हरते हैं। ये वाक्य दीदी का क्या सुना नहीं वाली, जो मेरी पिछड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ प्रयत्न ना करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। प्रभु प्रभु सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है, इस कारण पृथ्वी पर से वानर प्रतिशाली मिटाया है। प्रभु अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है, यह ध्यान रहे पर भूलता पाकर सच सच दुर्जन हो जाता है। प्रभु निर्बल सुग्रीव से यह आशा व्यय सुधी का काम करे, ईश्वर ने वो शक्ति कहा संग्राम करे। भगवान आ
प्रभु मैं उसको खूब जानता हूँ जो सियात चुरा कर भागा है। मैंने उस कुछ अनादि को साथ में चाहा है। भगवान अच्छा जो बीती बीत गई अब पकने से क्या होता है। अब तो सुग्रीव का भाग्य चला यह पाली सदा को छोड़ा है। पाली अब तक ना जानते थे हम तू ऐसा है तू ऐसा है। अब भाग्य कुछ बच जाने पर समझे तू हम कितना है। पाली जो कुछ इच्छा है मांग वाली बदला हम तुझको क्या बते। यदि मरना नहीं चाहता हूं तू तुझे अभी हम प्राण मान दे। भगवान इसलिए चिंता करते हैं आप मेरे द्वारा हो सिया से अपनी सिर्फ मिला। पाली इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं। मैं तो तुम्हें मित्र भाव से कह रहा हूं। भगवान हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है लेकिन मरने के ठीक समय मुझसे राम न कह पाता है। यह राम सामने है मेरे ऐसा तो प्रभाव की हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हैं जीवन और दुख भरू मैं। प्रभु वर देने को जब स्वयं अच्छा है कुछ ले लू मैं। अनुराग आपसे है मेरा जिस जगह कर्मवश जन्मू मैं। प्रभु प्रभु इस अपने बालक अंगद का ये आप हाथ में लो भगवान। अब अधिक नहीं बोलना चाहता सेवक को आज्ञा दो भगवान। पाली तुम निश्चिंत रहो आज से हम अंगद को अपने पुत्र समाज समझेंगे और इसे किसी भी तरह का कोई दुख नहीं देंगे। देखियो मरे पंगद आशा हाँ मेरे सरदार वो प्राणों के अरदार मुझसे इस तरह क्यों मोड़े जाते हो। हाँ प्यारी यद भी तुमने मुझे बहुत समझाया मगर मैंने तेरी बातों को नहीं माना। बताए इसके मैंने तुझे ही उल्टा सुनता था। राजा जी मैंने बहुत पाप किया इस रात को लेकर मैं क्या दुख पाऊंगा और परमेश्वर के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। बेटा
ये भगवान रामचंद्र जी हैं, इनकी सेवा में अपनी जान की बाजी पर भी खेलना। और कुल को ताकना लगाना। हे परमेश्वर, हमें छोड़कर कहाँ चले गए? बोले पिताजी, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? और का बोल, रोके रोके बोल। ये भी आप सबर करो पिताजी, भाई साहब आपका ही उठाना धोना किसी ने। चलो राकेश जी, देवी हम काली को तो जीवित नहीं कर सकते। हाँ, आपको इतना आश्वासन जरूर देते हैं कि हम अंदर को अपने पुत्र समान समझेंगे। देवी आप जरा सब्र से काम लो। सुग्रीव जी, बाली आज के लिए आप बाली के दास संस्कार की तैयारी करो। ठीक है प्रभु, भैया मुझे माफ कर देना, अज्ञानता पूर्वक ये मुझसे बात हो गया। Thank you.